तो हम लोग का लास्ट होम स्टे में आ गए हैं। अब ये लंच भी हो गया है हम लोगों का, तो अभी थोड़ी साइट सीन के लिए निकल रहे हैं। यहाँ पे एक बोलते हैं लिंगताम हैंगिंग ब्रिज, वहीं पे जाते हैं, जा रहे हैं, जाके देखते हैं कैसा है। ये है हमारा होम स्टे, आज का लास्ट का होम स्टे। नाम है आपका असंपा रिट्रीट, असंपा रिट्रीट है इसका। ठीक है चलिए अभी थोड़ा घूम के आते हैं, फिर से बारिश आना स्टार्ट हो गया है। बारिश भी हो रही है तो फोन ऑन तो नहीं रख सकते, तो दिखाते हैं। हम तो आए थे हैंगिंग ब्रिज देखने के लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही देखने को मिल गया। एक खूबसूरत सा वाटरफॉल, ये जो स्टार्टिंग शायद ऊपर से ही होता है जहाँ पे हैंगिंग ब्रिज जा रहे हैं, तो लेकिन यहाँ पे तो इसका एक रूप देख मिल गया। ठीक है चलिए डेस्टिनेशन में जाते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। ओके चलिए। सबसे अच्छी बात है आज हम पहली बार पैदल निकल गए हैं पहाड़ी में पैदल। चलिए हम लोगों का हैंगिंग ब्रिज में आप देख पा रहे हैं कि इसका नीचे क्या नदी का जो स्रोत है। हाँ, और बारिश हो रहा है ना, इसके लिए शायद पानी का बहाव भी और ज्यादा है। ये रहा पूरा, हम लोगों का जहाँ पे रूम स्टे है वहाँ से थोड़ी दूर में 200 मीटर होगा लगभग एक मॉनेस्ट्री है जो बंद है किसी कारण। ये साल में एक बार ही खुलता है, थोड़ा हाइट में ही है, जाएंगे। ये हम लोगों का यहाँ का एक भाई हम लोगों को यहाँ पे लेके आया, यही हम लोगों का हैंगिंग ब्रिज भी यही लेके गया। लास्ट दिन को ही होनी थी ये बारिश, क्या करें। बहुत सुंदर सुंदर जगह थी घूमने को, लेकिन इस बारिश की वजह से हम घूम नहीं सकते और कल बैग भी करना है, तो हमारा सिक्किम ट्रिप तो यहीं पर ख़त्म करना पड़ रहा है। अगर आप लोगों को हमारी ये ट्रिप पसंद आई तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम लोग फिर से एक ट्रिप प्लान करेंगे। गुड इवनिंग सबको भाई, यहाँ पे लाइट थोड़ा कम है और फोन का फ्रंट फ्लैश नहीं है, तो एडजस्ट कर लेना। हम लोग अभी असंपा रिट्रीट होम स्टे में एक झूला झूल रहे हैं। इसका थोड़ा सामने में आंगन जैसा है, उसके वहाँ पे एक झूला जैसा है, बारिश हो रहा है, रेन शावर जैसे ही बोल रहा है, सब एकदम हल्का सा बारिश हो रहा है। वहाँ पे आके बैठे हुए हैं। ये तीन दिन में आज फास्ट है जो 6 बजे के बाद हम लोग बाहर निकले, नहीं तो 6:30 बजे के बाद जब घर मैंने रूम में घुस जाते हैं तो डिनर करने के लिए नहीं निकलते हैं। आज ही फास्ट पूरा बाहर निकले, इधर उधर टहले, तो अभी रूम में चले जाएंगे। 9:45 की बजनों के है, 9 बजे तक डिनर दे देगा, खा के चलेंगे। मिस करेंगे ये सब जगह को, आज ही लास्ट है। कल सुबह निकलेंगे, 2 जगह जाएंगे, वहाँ पे इंजीबिट बैक टू होम। क्या करें, यहाँ पे तो रह नहीं सकते, अपना भी लाइफ है, वर्क है, घर संसार है। सबसे बढ़िया चीज जो है जिसका यूट्यूब चैनल है उसको हैंडओवर करना है। ये जो 12 तारीख शाम को हम लोगों को ये हैंडओवर कर दिया, जो इतना प्रेशर वाला जिम्मेदारी दे दिया है ना,
हम लोग कहीं पे फोटो खिंचवाए या नहीं खिंचवाए उसका तो वीडियो करना ही है हम लोगों को। बहुत प्यारा भाई है हम लोगों का, प्लीज़ उनका चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत मेहनत कर रहा है उसके चैनल के लिए। आप लोग बारिश बढ़ रही है तो हमें रूम में जाना होगा। ये बारिश जैसे बढ़ रही है उसका लाइक और सब्सक्राइब भी ऐसे ही बढ़ा दीजिएगा तो अच्छा लगेगा। एक लड़का जो एक काम करने की कोशिश कर रहा है ना, अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो और उसको अंदर से अच्छा वाला फीलिंग आएगा, चलो और कोशिश करेंगे। अगर सपोर्ट नहीं मिलता है ना, एक मन ही मन टूट जाता है, ये मत होने दीजिएगा। चलिए अभी यहाँ से जाना है हम लोगों को, टाटा बाय।